क्लासेस, आज हम लोग ग्रीन एल्गी से जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन एल्गी किस क्लास का नाम है, यानी कि ग्रीन एल्गी थैलोफाइटा के किस क्लास को कहते हैं, तो वो आएगा क्लोरोफाइसी। साइंटिफिकली ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी। ये क्या है एक्चुअली में, एक क्लास है थैलोफाइटा का, ठीक है। अब दूसरा होता है कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, ये पिगमेंट कौन कौन से होता है। तो ग्रीन एल्गी में दो तरह का पिगमेंट होता है, पहला क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो तरह का पिगमेंट पाया जाता है, और इस दोनों पिगमेंट के कारण ये कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। यानी कि क्लोरोफाइसी का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। पहला क्वेश्चन हो गया कि क्लोरोफाइस ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, तो क्लोरोफाइसी, या क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, तो ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि पिगमेंट, ये जो क्लोरोफिल का टाइप होता है ना उसको पिगमेंट कहते हैं, तो ग्रीन एल्गी में या क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट फाइंड होता है, तो उसमें दो तरह के पिगमेंट मिलेंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और इसी पिगमेंट के कारण उसका कलर कैसा होगा, तो ग्रीन होगा, यानी कि क्लोरोफाइसी का कलर ग्रीन। नेक्स्ट, अगर स्टोरेज फूड की बात करें, स्टोरेज फूड की बात, तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च स्टोरेज फूड के फॉर्म में रहता है। स्टोरेज फूड के फॉर्म में ग्रीन एल्गी में क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। नेक्स्ट, इसमें पायरेनोइड एक रहता है जो फूड स्टोरिंग बॉडी ही है, पायरेनोइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला तो यह कि ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोरिंग बॉडी है वो क्या कहलाता है, तो पायरेनोइड हो गया। दूसरा, पायरेनोइड के स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, जैसे पायरेनोइड में एक्चुअली होता क्या है कि इनसाइड में प्रोटीन भरा रहेगा, प्रोटीन रहेगा, और इस प्रोटीन के ऊपर स्टार्च का कवर रहेगा। यहां पे क्या रहेगा, स्टार्च, स्टार्च का कवर है। तो इस तरह से प्रोटीन कवर्ड इनसाइड द स्टार्च जो बॉडी होता है, एक्चुअल में ये फूड स्टोरिंग बॉडी हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरेनोइड। तो पायरेनोइड के इनसाइड में क्या रहता है, प्रोटीन, और आउटसाइड में क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। और ये है क्या, तो फूड स्टोरिंग बॉडी है। ओके, ग्रीन एल्गी में स्पेशल स्ट्रक्चर है। ग्रीन एल्गी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ कि इसमें फूड स्टोरिंग बॉडी जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा पायरेनोइड। और पायरेनोइड में क्या क्या रहता है, तो प्रोटीन इनसाइड द स्टार्च। नेक्स्ट, सेल वॉल की बात हुई, तो सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट पूछता है। सेल वॉल तो सारे प्लांट ग्रुप में होंगे, तो ग्रीन एल्गी हो या क्लोरोफाइसी, तो इसमें एक सेल वॉल तो होगा ही, लेकिन सेल वॉल किस चीज का बना होगा, तो एक तो सेलुलोज होगा और दूसरा पेक्टोज होगा, 5 कार्बन का। तो यानी कि सेलुलोज और पेक्टोज दो तरह के मोलिक्यूल से बने होंगे, क्या, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ सकता है, तो वो क्या क्या होगा, सेलुलोज के साथ साथ पेक्टोज भी होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आया आपको फ्लैजेला के बारे में। तो ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी का भी बहुत सारा टाइप होगा ना, तो कुछ टाइप है जिसमें 2 रहेंगे 2 से 8 फ्लैजेला इसमें फाइंड हो सकते हैं। लेकिन नंबर तो 2 भी हो सकता है 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, लेकिन ये फ्लैजेला का मेन इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर ये सपोज कीजिए ये एल्गी है, तो उसके एपिकल पोजीशन पे, एपिकल मतलब होता है ना टिप पे, सबसे ऊपर या सबसे नीचे, एपिकल पोजीशन पे फ्लैजेला होगा, और जो भी फ्लैजेला होगा सबका लेंथ इक्वल होगा। यानी कि ग्रीन एल्गी में 2 to 8 फ्लैजेला होंगे, सारे के सारे फ्लैजेला क्या होंगे, एपिकल होंगे, एपिकल मतलब टिप पे होंगे, और दूसरा सारे के सारे इक्वल होंगे, एपिकल एंड इक्वल, एपेक्स पे होंगे, एपेक्स, एपेक्स मींस टिप पे, ये टिप है, एपेक्स पे होंगे और इक्वल होंगे, लेंथ में सारे इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप का होता है, यानी कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा और वेजिटेटिव भी मिल जाएगा। तो वेजिटेटिव में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है, मान ली कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपलर, ये तो सिंपलर प्लांट है, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि उसको ये ऐसे प्लांट है इसको बीच से काट दिए तो दो प्लांट बन गया, तो ऐसे तो यानी कि फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन से भी ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का टाइप हो गया फ्रेगमेंटेशन, उससे भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसकी खूबी होगी कि एक तो जूस्पोर होगा, जूस्पोर का मतलब मूवेबल स्पोर, वैसा स्पोर जो फ्लोट कर सकता है, ठीक, स्विम कर सकता है, ऐसे कर सकते हैं स्विम, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। और जाएगा किस बेस पे, सारे के सारे एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं उसमें फ्लैजेला होगा, तो इस फ्लैजेला के सहारे वो मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजेला वाला जूस्पोर के थ्रू होता है। तो फ्लैजेलेटेड जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन क्लोरोफाइसी बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप का मिलता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस का मतलब हुआ मेल गेमेट और फीमेल गेमेट एकदम एक टाइप का हो, उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं नजर आए, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोगेमस। तो इसमें आइसोगेमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन फाउंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा एनआइसोगेमस, एनआइसोगेमस वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों दो साइज का होता है। जनरली मेल गेमेट्स क्या होगा, छोटा होगा, और फीमेल गेमेट्स जो होगा वो बड़ा होगा, और इससे डिफरेंशिएट हो जाता है। एन आइसो नहीं इक्वल, एन मतलब नॉट हो जाता है, आइसो मतलब इक्वल, गेमस मतलब गेमेट, यहां आइसो गेमस है, दोनों गेमेट जो है वो इक्वल है। और एक ओगेमस है, ओगेमस में क्या होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होगा, शांत पड़ा रहने वाला होगा और बड़ा सा होगा, और मेल जो होगा मोटाइल होगा मतलब मूवमेंट करने वाला होगा, और मेल गेमेट्स छोटा होगा वो मूव करके फीमेल गेमेट्स के पास जाएगा, तो उसको कहेंगे ओगेमस। तो ग्रीन एल्गी में तीनों तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, ओगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तीनों तरह का, एसेक्सुअल में फ्लैजेलेटेड जूस्पोर से, और वेजिटेटिव में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन मिलता है, टुकड़ा हो जाने पर दो हो जाए, ठीक है। और तीसरी बात, इसकी एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम्पल आपको सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद करना चाहिए, चाहे वो नीट का एग्जाम्पल एग्जाम हो या क्लास का एग्जाम हो। तो ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी के पांच एग्जाम्पल आपको बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले क्लाइमाइडोमोनास जो यूनिसेलर होता है, इसका एक और खूबी है, वॉलवॉक्स फुटबॉल जैसा होता है वॉलवॉक्स, तो क्लाइमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्राइक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, यूरोथ्राइक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा और क्लाइमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स, यही पांच एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो ग्रीन एल्गी का ये पांच एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। ओके, तो ग्रीन एल्गी में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।